Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. This is module number one, three, five, and we're going to talk about that how we can enlist your team in keeping you accountable. Our team members best judge him. So we have to listen to them, and we have to listen to them carefully. अब अपनी टीम के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए याद रखिएगा कि यू हैव टू मेक देम अकाउंटेबल एंड यू हैव टू मेक योर ओन सेल्फ अकाउंटेबल बिकॉज ये अकाउंटेबिलिटी ही हमें डेवलपमेंट की तरफ वो लेकर जाती है उस मकसद के लिए सबसे पहली चीज जो हमें जहन में रखनी होगी कि हमें वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जिन पॉइंट्स में हमें बेहतरी की जरूरत है हमारे बिहेवियर में हमारे एटीट्यूड में हमारे कंडक्ट में हमारी इंटरडिपेंडेंसीज में वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसको बेहतर करने की जरूरत है और वो हम तभी जान पाएंगे व्हेन वी आर अकाउंटेबल फॉर आवर कोर्स ऑफ एक्शन द सेकंड थिंग इज दैट वी हैव टू सी कि टीम हमारे बारे में क्या जजमेंट वो रखती है बिकॉज टीम की जजमेंट हमारे बारे में इज गोइंग टू बी अ सोर्स जो सोर्स हमें ये आइडेंटिफाई कर सकेगा कि हमने कहाँ पर बेहतर किया So, उनका वो फैसला उनका वो क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम्ड एनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें अपने एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट को वो जानना है टीम आइडेंटिफाई इसलिए कर सकेगी बिकॉज दे आर ऑब्जर्विंग अस फ्रॉम द आउटसाइड वो हमें बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं और हमारे उस बिहेवियर को वो अपनी आंख से जब देखेंगे तो बेहतर तौर तो जान पाएंगे कि कहाँ पर हमने पॉजिटिव रिएक्शन किया और कहाँ पर हमारे रिएक्शन को फर्दर बेहतरी की जरूरत वो है सो रिमेंबर कि जब हम इंटरेक्शन कर रहे हैं अपनी टीम के साथ तो टीम इंटरेक्शन में हमें अपने इम्पैक्ट्स को भी देखना है कि कहाँ कहाँ पर हमारा जो इम्पैक्ट था इट वॉज पॉजिटिव कहाँ पर हम गलत थे अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें तस्लीम करें अपने आप को अकाउंटेबल समझें ताकि हम ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रस्पेक्टिव में हमारी गोल ओरिएंटेशन है वो पाए तकमील तक पहुंच सकें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं पर भी हमें पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है हम एक ओवरऑल बेटरमेंट डेवलपमेंट और लर्निंग एन्वायरमेंट के लिए ये तमाम काम वो कर रहे हैं तो हमें इंपैक्ट को देखना होगा कि कहां पर हमारे रिएक्शन क्या इंपैक्ट को छोड़ रहे हैं और वो इम्पैक्ट दूर रस नात क्या हासिल वो करेगा रिमेंबर अनादर थिंग जब हम अपने आप को अकाउंटेबल बना रहे हैं अपनी टीम के सामने तो देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड एक कोच जब लोगों के साथ काम करता है तो ऑब्वियसली वो एक टीम एफर्ट है

हम एक इफेक्टिवली टीम को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं कि कि किसको है।, है कि हमारी अपनी जात को हो, हो सकता है कि उस टीम के अंदर किसी एक मेंबर को हो सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन तभी इनकॉर्पोरेट होगा जब हमारे पास ट्रू फीडबैक अबाउट सिचुएशन एंड द इंटरेक्शन वो अवेलेबल हो Therefore, रिमेंबर कि हमें अपनी विलिंगनेस और रेडीनेस को हमेशा मद्देनजर रखना है बिकॉज जब तक हम विलिंग और रेडी नहीं होंगे हम चीजों को वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे जैसा कि उनको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए सो so, हमारी तवज्जो, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी विलिंगनेस एंड ऑब्वियसली आवर कॉम्पिटेंसीज आवर रेडीनेस शुड ऑलवेज भी डेमोन्स्ट्रेटेड डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें कि वी हैव टू बी केयरफुल एंड विजिलेंट एन एजाइल इन आर रिलेशनशिप्स अब वो रिलेशनशिप हमारे घर में हो कम्युनिटी के साथ हो या ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ के अंदर हो हमें यह देखना होगा कि हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बेहतर इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे बारे में कैसा है और कहा पर हम अपने आप को अकाउंटेबल बना रहे हैं फॉर बेटरमेंट इंप्रूवमेंट एंड फॉर गोल अचीवमेंट थैंक यू